हेलो फ्रेंड, टेक्निकल सेवेरा में आपका स्वागत है। अपने पास 32 इंच एलईडी आया हुआ है अकाई का, जिसमें पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है दोस्तों, और इसका कैपेसिटर भी फूट चुका है, ये देखो। और इसका बोर्ड अपन ने बाहर खोल लिया है और इसमें फ्यूज़ भी शॉर्ट हो गए और कैपेसिटर भी फूट गए। चलो देखेंगे दोस्तों इसका पावर सप्लाई और कार्ड जो है ये बाहर निकाल लिया अपन ने, और इसे देख लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या शॉर्टिंग हुआ है। इसमें पहले कैपेसिटर भी डालना पड़ता है। चलो दोस्तों ये देखो, इसका फ्यूज़ भी शॉर्ट है, ये फ्यूज़, और इसका जो कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर नंबर है दोस्तों इसका। इसे निकाले बाद देखेंगे 68 450 है, तो अपन इसके जगह ही वापरेंगे। हैवी कंडीशन ये, साढ़े चार सौ हेवी कंडीशन है दोस्तों। देखेंगे आगे इसमें पावर सेक्शन में आगे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। पहले ये कैपेसिटर निकाल लेंगे इसमें का। चलो दोस्तों ये कैपेसिटर को निकाल लेंगे बाहर, जो ये प्लास्टिक है ये, इसको यहाँ से सीक करके निकाल लेंगे। ये निकल चुका है, और ये कैपेसिटर का। कैपेसिटर निकल चुके हैं 68 450 है, अपन ये वापरेंगे इसमें। थोड़ा हैवी दौड़ो, अब ये यहाँ पर ऐसे बैठेंगे ना, इसको ऐसे बिठाना है, तो इसको बिठाने के वास्ते दोस्तों अपने को थोड़ा इसको, इसका जो माइनस बाकी इधर आया, ये जो प्लस आया हुआ है और माइनस इधर है, जैसे ये इस टाइप बैठाना है अपने को इसको। चलो दोस्तों कैपेसिटर को अपने आगे तार की पॉइंट लगा दी, जैसे अपने को बैठने को ये होगा, और जी इसको साफ कर लेंगे। ये आ गया दोस्तों इसका प्लस का नीचे, ये और ये माइनस का है, तो इसे पहले कतील भर लेंगे। दोस्तों ये पॉइंट लगाए थे अपने कैपेसिटर को, ये जो है ना बहुत जाड़े हो जा रहे हैं, तो उसकी वजह से वो निकाल लिए डायरेक्ट यहाँ पर ही चपने दो लेक लगा दिए। ये आगा प्लस, ये आगा माइनस, तो कैपेसिटर को इस टाइप अपन इसको फिटिंग कर देंगे इसमें। ये सेट माइनस आ गई, ये सेट प्लस आ गई, ऐसे करके इसको सोल्डिंग कर लेंगे। थोड़ा जूम, और बाकी जो बचा है ये कट कर लेंगे। चलो दोस्तों जैक लगा दिए फिर ने, कैपेसिटर बिठा दिए, ये माइनस आ गया, इधर से प्लस आ गया। अब पैनल का लगा देंगे जॉक, और जो अपना ये सीरियस लाइट है, जो इसके दो तार है, यहाँ पर जो फ्यूज़ है इसके नीचे लगा देंगे, कि जो फ्यूज़ लगा हुआ है ये वाला पूरा शॉर्ट है। ये दोनों
ये आ गया दोस्तों फ्यूज के कनेक्शन पे। चलो दोस्तों सप्लाई डालकर देखेंगे कि अंदर बोर्ड कुछ शॉर्ट बताता क्या हो रहा अंदर। दोस्तों सप्लाई ग्लो हो गया इसका, सप्लाई ग्लो हो गया। अब इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, इसके जगह पर फ्यूज डाल देंगे निकाल कर। ये पावर ऑन करेंगे, ये देखो पावर दबाए बाद ऑफ हो गया। दोस्तों ये सीरियस कनेक्शन अपना निकाल लेंगे। ये फ्यूज निकल गया दोस्तों, फ्यूज शॉर्ट हो गया था। ये देखो ये चालू फ्यूज अपना, ये शॉर्ट वाला फ्यूज इससे बिठा दिए दोस्तों। फ्यूज डालने के बाद में सप्लाई ओके आ गई। चलो बोर्ड को फिट कर लेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों बोर्ड फिट कर लेंगे इसका। बैकलाइट का लगा देंगे दोस्तों, बैकलाइट ये अपनी ये वीडियस कॉल्ड, ये जो खाचा है ये खाचे के हिसाब से इधर आना, ऐसे लगा देंगे, ये लगा दिए दोस्तों। उसके बाद में अपना रिया स्पीकर का जॉक, स्पीकर का जॉक लगा देंगे। चलो दोस्तों इसके पहले नटा गिटा लगा देंगे फिर आगे। दोस्तों बोर्ड अच्छे से फिट हो चुका है, सिर्फ इसमें स्पीकर की जैक लगाना है और ये कैपेसिटर को उसको थोड़ा सा ग्लो डाल देंगे, इसने हिलना नहीं करके। ये दोस्तों दो कैपेसिटर को ग्लो गन से अपन ने चिटका लिया है। ये आगे इसमें पावर और इसको स्टार्ट करेंगे। ये होगी दोस्तों स्टार्ट, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। धन्यवाद।